हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके भाई विराज में। दोस्तों और साथ साथ में हमारी आज की वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इंग्लिश के कुछ हिंदी के कुछ वाक्यों को हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। दोस्तों बिना देर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम कुछ हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। दोस्तों जो आपको हम बताएंगे वो रोज बोले जाने वाले वाक्य हैं। दोस्तों जरा ठहरिए, अगर आपको किसी को कहना है कि जरा ठहरिए, तो आप उसे कहेंगे प्लीज वेट अ बिट। प्लीज वेट अ बिट, क्या बोलेंगे? प्लीज वेट अ बिट। अगर आपको किसी को कहना है कि जरा ठहरिए, तो प्लीज वेट अ बिट। यहाँ आइए, अगर आपको किसी को कहना कि यहाँ आइए, तो दोस्तों आप यहाँ आइए को आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज कम हेयर। प्लीज कम हेयर, क्या बोलेंगे? यहाँ आइए को आप इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों प्लीज कम हेयर। समझ में आ गया दोस्तों? आगे है और कुछ नहीं। दोस्तों अगर आपको किसी को कहना कि और कुछ नहीं, तो और कुछ नहीं को दोस्तों आप इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग इल्स। क्या बोलेंगे? नथिंग इल्स। अगर आपको किसी को कहना कि और कुछ नहीं, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं नथिंग इल्स। समझ में आ गया दोस्तों? आइए पधारिए, अगर आपको किसी को कहना है कि आइए पधारिए, तो दोस्तों आप आइए पधारिए को आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज कम इन। क्या बोलेंगे? प्लीज कम इन। आइए पधारिए, प्लीज कम इन। दोस्तों अगला अभी नहीं, अगर आपको किसी को कहना है दोस्तों कि अभी नहीं, तो दोस्तों अभी नहीं को दोस्तों आप इंग्लिश में बोलेंगे नॉट नाउ। क्या बोलेंगे? अभी नहीं। दोस्तों अभी नहीं को आप इंग्लिश में बोलेंगे नॉट नाउ। अगला है दोस्तों उत्तर दीजिए, अगर आपको किसी को बोलना है कि उत्तर दीजिए, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिप्लाई। क्या बोलेंगे? प्लीज रिप्लाई, कि उत्तर दीजिए प्लीज रिप्लाई। दोस्तों जरा ठहरिए प्लीज वेट अ बिट, यहाँ आइए प्लीज कम हेयर, और कुछ नहीं नथिंग इल्स, और यहाँ पधारिए आइए पधारिए प्लीज कम इन, अभी नहीं नोट नाउ, और उत्तर दीजिए प्लीज रिप्लाई। अगर दोस्तों महीनों पहले, अगर आपको इंग्लिश में किसी को कहना है महीनों पहले, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे मंथ्स अगो। मंथ्स अगो, महीनों पहले, मंथ्स अगो। अगला मौन रहिए, अगर आपको इंग्लिश में किसी को कहना है कि मौन रहिए, तो आप मौन रहिए को आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे? प्लीज कीप क्वाइट, मौन रहिए प्लीज कीप क्वाइट। दूसरा अब तो पहले, अब तो पहले अगर आपको किसी को कहना है अब तो पहले, तो आप अब तो पहले को इंग्लिश में बोलेंगे वीक अगो। क्या बोलेंगे? अब तो पहले, वीक अगो। अगला है फिर आइएगा, अगर दोस्तों आपको इंग्लिश में किसी को कहना है फिर आइएगा, तो दोस्तों आप फिर आइएगा को इंग्लिश में बोलेंगे डू कम अगेन। क्या बोलेंगे? डू कम अगेन, फिर आइएगा, डू कम अगेन। अगला है कल मिलते हैं, दोस्तों अगर आपको किसी को कहना है इंग्लिश में कि कल मिलते हैं, तो दोस्तों आप कल मिलते हैं को आप इंग्लिश में बोलेंगे सी यू टुमारो। क्या बोलेंगे? कल मिलते हैं को आप इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों सी यू टुमारो। अगला देर मत करना, अगर आपको किसी को कहना है इंग्लिश में कि देर मत करना, तो दोस्तों आप देर मत करना को आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी लेट। डोंट बी लेट, कि देर मत करना, डोंट बी लेट। समझ में आ गया दोस्तों? महीनों पहले, मंथ्स अगो,
मोन द ये प्लीज कीप क्वाइट, अब तो पहले वीक अगो, फिर आइएगा डू कम अगेन, कल मिलते हैं सी यू टुमोरो, और देर मत करना डोंट बी लेट। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों जो हमने आज आपको हिंदी के वाक्य इंग्लिश में बोलना सिखाए हैं, आप उनका प्रयोग करोगे तो आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।